नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी साहबजादी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। घर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ना पाकर अपनी बेटी से पूछा, आईना इब्नु अम्मी की, तेरे चचा के बेटे कहाँ हैं, यानी अली कहाँ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मेरे और उनके दरमियान किसी बात पर अनबन हो गई, चुनाचे वो मुझसे नाराज होकर घर से निकल गए और मेरे पास कैलूला नहीं फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहकर भेजा, उन्जुर ऐना हुआ, जाकर देखना कि अली कहाँ हैं। उसने आकर बताया कि हजरत अली मस्जिद में सोए हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे, आपके पहलू से चादर गिर गई थी और जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके जिस्म से मट्टी झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, कुम अबतुराब, कुम अबतुराब, उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराब। तुराब के मानी मट्टी के हैं। इसके बाद से अली इब्ने तालिब इसी नाम से मशहूर हो गए और उनको अपना ये नाम बहुत ज्यादा पसंद था। रवाहु मुस्लिम।